6.5 HP का इंजन है, जो मेरा इसमें बायो डीजल भी डाल सकते हैं। बायो डीजल आ गया, मैं हमेशा इसमें बायो डीजल डालता हूँ। तो मेरे पास अभी एक नया डीजल आया है, एक ट्रक वाले ने दे दिया था मुझे, जैसे 90 नंबर ऑयल नहीं आता है। पर मैंने सोचा यार अपना ट्रक टायर दुकान वाले को बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें तो डीजल कोई भी बायो डीजल और रॉकेल, जो मिट्टी का तेल आता ना केरोसिन, हमारे महाराष्ट्र में इसे रॉकेल कहते हैं, कुछ मिट्टी का तेल कहते हैं। इसमें जो डीजल है मैंने पूरा निकाल लिया, यानी डीजल नहीं था इसमें, देख सकते हैं बिल्कुल 90 नंबर ऑयल नहीं आता, सेम वही है। भाई इसमें डीजल डाल दो, ये ऑयल डाल दो, इसमें बाल्टी में डाल दो, रुक थाम, बिल्कुल पूरा 90 नंबर ऑयल है। ड्रम वर यू दे यू दे जाऊ दे मोटी तारकार इसमें जो मैंने ड्रम में था इसमें टैंक में थोड़ा डाल दिया है, पर जैसे आपको मैंने मुझे तो ट्रक वाले नहीं दिया था है। ये पूरा ऑयल है, हाँ ये देखो बिल्कुल 90 नंबर जैसा ऑयल आता ना वैसा ही है, पर इसे ऑयल नहीं कह सकते, पता नहीं केमिकल होगा, पर टैंकर वाले ने बोला भाई आपको इसमें चल जाएगा। और इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें मिट्टी का तेल आता है, जो केरोसिन आता है, बायो डीजल आता है, वो चलता। आप दोस्तों अगर ये पुराना जो ऑयल आता ना बाइक में बदली करते ना, उनमें डीजल मिक्स करके और उसको एक प्रकार के उसको छन्नी से निकाल के, यानी उसमें जो कचरा है पूरा निकाल के आप इसमें भी डाल सकते हैं, बिल्कुल चल जाएगा। मैंने तो देख सकते डीजल फिल्टर भी नहीं लगवाया, डायरेक्ट कनेक्शन टैंक से या फिर पंप में आया है, क्योंकि मशीन बिल्कुल रफ एंड टफ होता है, बिल्कुल जैसे गावटी दिखा था। ये टाटा सोमो है, इसमें बायो डीजल भी डाल दिया ना, जैसे चल जाएगा। पर ये मेरे पास अर्टिका है, इसमें तो नहीं चलेगा, इसका भी वीडियो बनाएंगे। अर्टिका है इस, अगर ऐसी आपके पास गाड़ी हो BS4 BS6 तो उसमें ना डालिए, ठीक है, खाली इंजन के लिए, इसमें बायो डीजल भी ना डालिए। एक छोटा आपको डेमो दिखा रहा हूँ, आप सोचेंगे यार आपने गाड़ी दिखा दी। और दोस्तों अब जिसमें इसमें बायो डीजल आता है ना, जिसे इसमें बायो डीजल आता ना, वो मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं, आधा डीजल आधा बायो डीजल, क्योंकि मैं खुद रिपेयरिंग करता हूँ और मैं काफ़ी दिन से बायो डीजल, मैंने पहली बात तो गैस के ऊपर भी स्टार्ट किया था उसको, पर जो रनिंग है ना उसको रनिंग नहीं लेता है, जैसे अपना पानी वाला आता ना, जैसे किसान भाई जो अपने खेतों से पानी निकालते, उसमें छोटे इंजन के लिए चल जाता है, तो उसमें गैस के ऊपर चल जाता है, किसके ऊपर लोड काफ़ी आता ना, तो इसकी वजह से लोड नहीं लेता है और इसकी गति कम ज़्यादा होती है। तो देख सकते हैं मैंने तो अभी बायो डीजल है, चल डाल दो भाई इसमें, आपको जैसे गाड़ी वाला देता है पर बिल्कुल डाल दीजिए। और मेरे किसान भाई जैसे आपको मिलता है ऐसा बायो डीजल बिल्कुल डाल दीजिए, हो सके तो उसमें थोड़ा डीजल आधा जो पंप का डीजल आता है वो मिक्स कर लीजिए, और अपना ये डीजल, ये तो 90 नंबर ऑयल ही जैसा मेरा, ये आपके सामने टैंक फुल करता हूँ। बस 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 भाई ने गिरा दिया यार, अभी इंजन को स्टार्ट करते हैं। ये प्योर डीजल है, ये बायो डीजल है, यानी बायो भी, यानी इधर से कितना पतला आता है पानी जैसे आता,
और ये बिल्कुल 90 नंबर जो ऑयल आता ना गेयर बॉक्स में डालता, सेम वही है, मैंने उसमें पूरा वही डाला। और बायोडीजल आपको एक दिखाता हूँ, ये सबसे घटिया क्वालिटी का बायोडीजल आता, इसमें और अच्छी क्वालिटी का आता। और सबसे बायोडीजल अगर हो ना तो यही है जो वाइट कलर में आता है, और सबसे प्योर माल तो एक कंपनी का ही है जैसे पंप में आता है। अब बिल्कुल जैसे मिल जाते किसान भाइयों जो मेरे टायर वाले हो गए, तो आप बिल्कुल मिलते ही जैसे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ होता ही नहीं। काफ़ी लोग बोलते भाई इसमें मशीन इंजन पकड़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं काफ़ी दिन से इसमें बायोडीजल डाल रहा हूँ, बिल्कुल इतना गाढ़ा डीजल डालता हूँ मैं, कभी कभी ऑयल भी डाल देता हूँ, एक्सपेरिमेंट हमेशा करता हूँ मैं, पर कुछ नहीं। अभी मैंने इसको 8-9 साल पहले इसको पूरा कंप्लीट बनवाया था, मैंने 8-9 साल पहले इसको पूरा कंप्लीट बनवाया था, आज तक कोई दिक्कत आई नहीं। और समझो कोई दिक्कत भी आती है तो उसके पंप नजोल ख़राब होते खाली, आज तक आया नहीं यार। ठीक है, वीडियो अगर पसंद है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जय महाराष्ट्र, जय खानदेश।